अयोध्या में प्रभु श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का नजारा क्या है देख लीजिए। मंदिर को भव्य लाइट से सजाया गया है। खुद बांके बिहारी जी श्री राम के अवतार में दर्शन देने आए हैं। मंदिर की तस्वीरें हैं जहाँ बांके बिहारी मंदिर से आप देख रहे हैं कि कितनी तैयारियों के साथ आज बांके बिहारी जी ने श्री राम के रूप में भक्तों को दर्शन दिए हैं। अभी और तस्वीर हम आपको वृंदावन और मथुरा की दिखाने वाले हैं, जहां पर दिवाली जैसा जश्न दिखाई दे रहा है। तो वहीं कान्हा की नगरी में मुसलमान भी पीछे नहीं है। मुसलमानों ने भी श्री राम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कान्हा की नगरी को जश्न में तब्दील कर दिया। ये आज श्री रामचंद्र जी हमारे उनका आज भव्य मंदिर बना है, उसके उपस में आज हमने यहाँ हवन कराया आज हमने हिंदू मुसलमान सबने मिलके। और श्री राम और हिंदू मुसलमानों ने मिलकर यहाँ हवन कराया अभी, और यहाँ सारा वो सब जो मनाया जा रहा है, बाटा भी हो रही है और सब हिंदू मुसलमान ने चंदा भी करा है। आपने जो हवन किया वो किस तरह से किया? हमने हवन करने का उद्देश्य क्या था? हमारा हवन करने का उद्देश्य है हमें हिंदू मुस्लिम एकता बना के रखनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद खान है, मैं अर्जुनपुरा निवासी हूँ। जो हवन पूजा की गई है उसका उद्देश्य क्या था? हमारे यहाँ जो हवन पूजा हुई है उसका उद्देश्य ये है, हम हिंदू मुसलमान भाई आपस में बैठे थे हवन में, हम सब लोग बैठे हवन में, खुद बैठे इसमें। हमारा उद्देश्य ये है कि इससे लोगों को अच्छी प्रेरणा मिले, जो भेदभाव है वो भी मन मुटाव थोड़ा सा वो और दूर होए, भेदभाव दूर हो चुका है और दूर होए। ना तो हिंदू में मुटाव रहे मन मुटाव, न मुसलमान के रहे मुटाव, तो इसके हमारा ये भजन हुआ। तो क्या कहेंगे जो लोग इसका विरोध करते हैं, जो विरोध कर रहे हैं? वो विरोध जो कर रहे हैं लोग वो पीछे की सोच रहे हैं, पीछे जाने की सोच रहे हैं। जो विरोध नहीं कर रहे वो आगे की सोच रहे हैं। अब मां मंदिर बन गया, योगी जी ने मोदी जी ने हमको जगह दे दी है वहाँ पर मस्जिद के लिए। आने वाले टाइम पर माँ भी मस्जिद बनेगी, बब्बर मस्जिद बनेगी। हम मोदी जी ने खुद कही है हमसे, माँ मस्जिद भी बनेगी, मंदिर हमारा मन के तैयार हो गया है। आने वाले टाइम पे वहाँ पे 30 किलोमीटर दूर 25 है अयोध्या के अंदर ही, प्रेजेंट में अयोध्या के अंदर ही मस्जिद बनेगी। हम योगी जी और मोदी जी शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमको जगह दी और हमारा माँ मस्जिद बने, ये भी हम चाहते हैं। और हम मस्जिद बनेगी, हमारे हम हिंदू भाई भी जाएंगे, हम उनके साथ खड़े रहते हैं, वो हमारे साथ खड़े, ईद पे हमारे साथ आते हैं, ईद पे हमारे यहाँ आते हैं, हम दिवाली पे आते हैं, सब त्यौहार मनाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे अर्जुन पुरे में जो आयोजन जो हो रहा है, ये ऐसा आयोजन हर साल होना चाहिए। 22 जनवरी आप नोट कर लीजिए सब लोग। और 22 तारीख यही नहीं कि इसी बार होए, हम कहें हर बार होए 22 के 22।